हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे सीमेंट डिवीज़न में। आज हम लोग जानेंगे केमिकल के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि NaOH कैसे बनाते हैं, फॉर नॉर्मोलिटी का ग्रीस रोल कैसे बनाते हैं, ट्राइथानोल माइन कैसे बनाते हैं, SnCl2, HgCl2, मैंगनीज सल्फेट के बारे में आज जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे 6 केमिकल के बारे में कि केमिकल्स कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नीचे रेड आइकन दिया हुआ है, रेड बटन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्टिंग करते हैं कि केमिकल्स कैसे बनाते हैं, ग्रीस रोल कैसे बनाएंगे, NaOH कैसे बनाएंगे, SnCl2 कैसे बनाएंगे, HgCl2 कैसे बनाएंगे। तो आज वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के लिए मैंने बनाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैसे लेना है दोस्तों, तो 4N का ये बनाना है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है डिजॉल्व करना है 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेकअप टू द मार्क विद डिस्टिलेड वाटर। तो आपको क्या करना है, 80 ग्राम लेना है, 500 ml के लिए है ये दोस्तों। 1 लीटर आप लेंगे तो 160 ग्राम ले सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 80 ग्राम यहाँ पर आपको ले करके 500 ml में बनाना है, सिर्फ 500 ml के लिए है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही ग्रीस रोल बहुत दोस्तों को नहीं मालूम है कि 1:1 कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए 1:1 दिया गया है, यहाँ पे 1:1 का है। इसमें आप 500 ml ग्रीस रोल लीजिए और 500 ml डिस्टिल वाटर लीजिए और मेजरिंग साइलेटर से मेजर करके उसको जो आप बोतल में यूज़ करना चाहते हैं उस बोतल में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आगे जानते हैं, आइए दूसरे केमिकल के बारे में, ट्राइथानोल माइन के बारे में जानेंगे, जिसको टी सॉल्यूशन भी बोलते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग। तो 1:1 का एच भी हमने आज बताया है, टी सॉल्यूशन ट्राइथानोल माइन 1:1 कैसे बनाते हैं। तो उसी तरह 500 ml लेंगे ट्राइथानोल माइन केमिकल, उसके बाद 500 ml डिस्टिल वाटर, ये 1000 के लिए है दोस्तों, इसको 1000 के लिए है, 1000 में मेकअप करना है दोस्तों। 500 ml डिस्टिल वाटर, 500 ml ट्राइथानोल माइन लेकर के आपको एक मेजरिंग साइलेंडर से माप करके आपको जो है बोतल में मेकअप कर लेना है। उसी प्रकार है SnCl2 स्टेनोस क्लोराइड सोल्यूशन है दोस्तों। SnCl2 क्या करना है, 50 ग्राम लेना है आपको, 1 लीटर के लिए है ये, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर के लिए, यहाँ पे आप देखिए मार्क लगा हुआ है। तो 50 ग्राम आपको स्टेनोस क्लोराइड लेना है आपको, इन 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। 50 ग्राम लेंगे तो 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, उसमें अच्छा से उसको डाइल्यूट कर लीजिए और 1 लीटर में आपको जो है मेकअप कर लेना है उसको दोस्तों। कीप अ फ्यू पीसेस ऑफ प्योर मेटलिक टिन मेटल जो आता है उसमें टिन मेटल, उसमें जो है जब भी SnCl2 हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें टिन मेटल डालते हैं, तो मेटलिक टिन जो आता है उसमें डालना है। आप कुछ पीस डाल सकते हैं, 5-6 पीस तक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डालना ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह स्टेनोस क्लोराइड बनाएंगे SnCl2। SnCl2 को बहुत ध्यान से बनाइएगा, जैसे मैंने बताया है 50 ग्राम लेकर के 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको डिजॉल्व कर लीजिए, उसके बाद 900 ml जो है वाटर ले लीजिए, डिस्टिल वाटर, उसमें मेकअप कर लीजिए, 1000 ml मेकअप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं। उसी प्रकार आप बनाएंगे, अब हम लोग HgCl2 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करना है आपको, 5.6 ग्राम लेना है मर्क्यूरी क्लोराइड दोस्तों, एक्यूरेट वेट, और उसको 100 ml के लिए ये दोस्तों। अब अगर आप 1000 ml लेंगे तो 56 ग्राम लीजिएगा, ये मैं 100 ml का बनाया हूँ। तो 100 ml लेना है आपको, 5.6 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड लीजिएगा, उसको 100 ml में डिजॉल्व करिएगा और जो है सैचुरेट सॉल्यूशन ऑर्डिनरी रूम में टेम्परेचर में जो भी आपका वहाँ पे आपको मेंटेन करिएगा। तो ये 100 ml के लिए है, 100 ml में लेकर के आपको मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 आप बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसी तरह मैंगनीज सल्फेट सॉल्यूशन है दोस्तों, मैंगनीज सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं, MnSO4 4H2। तो इसको क्या करना है, मैंगनीज सल्फेट को आप डिजॉल्व जो है 35 ग्राम करना है, मैंगनीज सल्फेट 35 ग्राम लेना है, उसके बाद जो है 250 ml वाटर में उसको अच्छा से डिजॉल्व कर लेना है। उसके बाद उसमें ऐड करना है 70 ml फॉस्फोरिक एसिड, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.7 होना चाहिए दोस्तों, उतना रहेगा तो बेटर रहेगा एज़ पर BIS। और जो है आपका 65 ml जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 1.84 ग्रेविटी का, और डायल्यूट टू 500 ml में आपको मेकअप करना है दोस्तों। ये मैंगनीज सल्फेट के लिए है। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए केमिकल्स के बारे में है और भी बहुत सारा वीडियो आएंगे, जो वीडियो आप लोगों तक तो पहुंचाएंगे और हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये आप लोगों के लिए आज का वीडियो था, इतना सारा वीडियो था। ये सारे वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपना राय दीजिएगा दोस्तों। अपना टाइम देने के लिए सीमेंट डिवीजन एस के राठौर की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।